अस्सलाम वालेकुम, लाहौरिया शेर से उमैर ताहिर। माय कॉन्टैक्ट नंबर 0321-9537-814। आज मैं आपसे जिस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये है DHA भावलपुर का सेक्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, प्राइसेस मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, आने वाले टाइम पे इनमें ज़्यादा गेन आएगा या किसी और ब्लॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होगी आपसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। इससे पहले जिस ब्लॉक की हमने वीडियो बनाई थी वो था सेक्टर एम ब्लॉक, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है DHA भावलपुर का सेक्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जगह है, लेकिन ये है कि सबसे पहली जो चीज़ काउंट होती है वो है उसकी लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कैसी है। तो इसकी पी ब्लॉक की हम अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न है कि यहाँ पर जो यजमान रोड है, यहाँ पर DHA का तीसरा गेट बनेगा और डिवाइडेड रोड जो है आप देख सकते हैं एन ब्लॉक और पी ब्लॉक। एन ब्लॉक में अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो तकरीबन 80-90% जो है डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे एन ब्लॉक में पोजेशन मिलेगा तो घरों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होगी और इससे पी ब्लॉक की भी प्राइस में भी खासा फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली ये जो आप रोड देख रहे हैं डिवाइडेड रोड क्यू ब्लॉक और सेक्टर पी ब्लॉक की, ये भी डिवाइडेड रोड जो है यहाँ पर DHA भावलपुर का गेट आ रहा है, तो इस तरफ से भी जैसे आप एंटर होंगे तो आपकी राइट साइड पे पहला जो ब्लॉक आएगा वो आएगा सेक्टर पी ब्लॉक। जैसे इस साइड से जो मेन गेट है, जो पहला गेट है DHA का, आप एंटर होते हैं तो आपको एन ब्लॉक मिलता है। इसी तरह इस साइड से जब आप आएंगे यजमान रोड वाली साइड से तो आपको पी ब्लॉक मिलेगा। सेकेंडली अभी जितनी मिनिमम प्राइसेस हैं तो मैं समझता हूँ कि इस प्राइस पर अगर आप ऑन ग्राउंड लोकेशन के साथ प्लॉट बाय करेंगे तो वो फाइल से आपको बहुत बेहतर रहेगा। फाइल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहती है, जिन लोगों ने ओपन फाइल लेके रखी है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन ये है कि आज के दिन में जिस प्राइस पे आपको फाइल मिलती है उसी प्राइस पे अगर आपको प्लॉट मिल जाता है और आपको ये भी पता है कि आपके प्लॉट की लोकेशन कैसी है, तो वो आपको मैक्सिमम गेन भी देता है। फाइल में होता ही है कि आपको 10-20 लाख रुपया बैलेट से पहले प्रॉफिट तो मिल रहा होता है, लेकिन बैलेटिंग के बाद बहुत सारे प्लॉट बैड लोकेशन के भी आ जाते हैं। तो हम पी ब्लॉक की जो है मिनिमम मैक्सिमम प्राइस के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक की जो मिनिमम प्राइस है वो इस टाइम को 24-25 है और मैक्सिमम यहाँ पे 50-55 तक प्लॉट्स अवेलेबल हैं, डिपेंड ऑन द लोकेशन। कोशिश करें जो बड़ी रोड के ऊपर प्लॉट हैं आप वो बाय करें, या फेसिंग पार्क प्लॉट बाय करें, या फिर आप कॉर्नर का प्लॉट या प्लस फेसिंग पार्क का प्लॉट हो उसको बाय करें, जो प्लॉट हाई टेंशन वायर के करीब है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग के सामने है, कोशिश करें कि उन प्लॉट्स को आप बाय मत करें, उनमें इतना गेन नहीं आएगा। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेते हैं तो वो आपको मैक्सिमम गेन देगा। पी ब्लॉक में अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए, डेवलपमेंट चार्जेस लास्ट जो भी आए हैं वो हैं सेक्टर जे और एन ब्लॉक में, जहां पे 33 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और पी ब्लॉक में भी इतने ही आए या इससे थोड़े ज़्यादा आए ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि फाइल की प्राइस में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट देगी और आने वाले टाइम पर आपको मैक्सिमम गेन देगी। DHA भावलपुर में आपने कोई भी अपना कोई प्लॉट बेचना है या बाय करना है, या आप इंस्टॉलमेंट्स पर रह के इंस्टॉलमेंट्स पर कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं और DHA में ही बाय करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0321-9537-814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।